हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्लटर में ड्रॉप डाउन जो होता है उसका सोर्स कोड देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक फ्लटर ऐप स्टार्ट कर दिया और ये फंक्शन भी कर रहा है। तो सबसे पहले जो कोड का मुझे काम नहीं है वो हटा देता हूँ। यहाँ पे ये जितना भी कोड है इसका काम तो है नहीं, इसका भी काम नहीं है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक नया डार्ट फाइल क्रिएट करना होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन हम लोग टेस्ट करें तो मैं इसका नाम ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ, ड्रॉप डाउन टेस्ट। ये स्टेटफुल विजिट हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ड्रॉप डाउन टेस्ट। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि कुछ पैकेजेस हमें इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जैसे पैकेज फ्लटर का, और एक और होता है मटेरियल वाला, तो उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये रख जा चुका है लेकिन अभी ये प्रोग्राम रन नहीं कर रहा क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन टेस्ट वाला जो क्लास है वो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट है नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये सही है। अब मैं क्या करूँगा कि अपने वेबसाइट कोडिंग एमएसटीआर पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको फ्लटर टाइप करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का कोड दिया हुआ, तो ये ड्रॉप डाउन का कोड है, इसमें मैं स्कैफोल्ड से कॉपी कर लूँगा। ये यहाँ से पूरा कॉपी होगा, नीचे का जो ये आ रहा है ब्रैकेट क्लोज है, ये स्कैफोल्ड आ रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो हमारा ड्रॉप डाउन टेस्ट है यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। रिटर्न दो बार आ गया, मैं एक को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारा एरर है, जैसे माई सर्विसेज इसको मिल नहीं रहा है, ये सब नहीं मिल रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है ड्रॉप डाउन का वो ऐसे चाइल्ड में हम लोग डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे जो सर्विसेज है वो उसका लिस्ट है। आई मीन लिस्ट आप API से ले सकते हैं या कुछ भी आप यहाँ पे एज ए लिस्ट पास कर सकते हैं, वो चेंज होने पे यहाँ पे ट्रैक होता है। तो मैं माई सर्विसेज को पहले तो एज ए वेयर डिक्लेयर कर दूँगा। अब थोड़ा बहुत एयर तो चला गया लेकिन ऑन क्लिक वगैरह का है, तो ये ऑन क्लिक एक फंक्शन है। यहाँ पे अगर इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो आप वॉइड लिख सकते हैं, अगर रिटर्न टाइप कुछ स्ट्रिंग वगैरह है तो आप स्ट्रिंग वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जो भी वैल्यू चेंज होगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वैल्यू चेंज हो रहा है तो आप API के थ्रू अपने सर्वर पे सेंड कर सकते हैं, या उस वैल्यू को लेकर के कुछ हाइट शो वगैरह करना है, आपको डेटा अपडेट करना है तो वो सब आप कर सकते हैं। और ये जो वैल है एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तभी भी एक एरर है, ये जो सर्विस करके सर्विस ड्रॉप डाउन है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि मुझे एक मॉडल बनाना होगा जो कि बेसिकली एक डार्ट फाइल ही होगा जो मैं डेटा मॉडल के नाम से बना लेता हूँ। और इस मॉडल में आपको ये वाला नीचे वाला जो कोड है इसको कॉपी करना है। ये एक बहुत ही सिंपल सा कोड है, आई मीन एक क्लास बनाया सर्विस और उसके नीचे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें कि उसके ड्रॉप डाउन्स के जो मेनू है वो पास हो रहा है, तो बस इतना ही करना है इसमें और यही आपका मेनू में आएगा। अगर आपको एज ए API से लेना है तो आप API से ले सकते हो इसे, और जो भी API के थ्रू आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगा वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में शो कर सकते हो। ये अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँ तो सर्विस ऑप्शन है, डॉट सर्विस ऑप्शन, यहाँ पे ये सर्विस ऑप्शन है। ये नहीं आना था, मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सर्विस लिस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सर्विस डॉट लिस्ट हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन काम कर रहा है। अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये लॉग में आ रहा होगा। जैसे अगर मैंने कुछ सिलेक्ट किया तो आयुष डेवलपमेंट करके लॉग में आ रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन का एक बेसिक कोड है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले स्कैफोल्ड है, ये बेसिक ऐप वर का कोड है जो ऊपर का ऐप वर दिख रहा है, और इसके नीचे कॉलम है जो कि चीज़ों को एक के नीचे एक रख रहा है। अगर इसके नीचे एक और ड्रॉप डाउन ऐड करना होगा तो मैं पैडिंग को बस कॉपी करके ऐड कर सकता हूँ। और ये वाला एक कंटेनर है, आई मीन उसके पहले पैडिंग यूज़ हो रहा है जो कि टॉप से 150, अगर मुझे कम करना है तो कम कर सकता हूँ। और उसके नीचे ये कंटेनर है, कंटेनर के नीचे हमारा ड्रॉप डाउन कंटेन हो रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, आई मीन यहाँ से हटाने का, हाँ आ गया, तो ये थोड़ा चिपक के आ रहा है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए कंटेनर का इम्पोर्टेंस होता है, जिससे कि इसका हाइट वाइट जो है अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अगर मैं हाइट को थोड़ा बढ़ा के देखूँ तो ये थोड़ा बड़ा सा हो गया। तो कंटेनर का यूज़ आप इसके डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। और ये बॉक्स डेकोरेशन है, आई मीन इसका बॉर्डर वॉर्डर कैसा होगा ये इसमें दिया हुआ। जनरली बॉर्डर थोड़ा राउंडेड होता है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये कोड आपको दे दिया। मेन कोड ड्रॉप डाउन के यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें ये हिंट है, हिंट में चूज ऑप्शन, इनिशियली स्टार्ट करते हैं, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो जो हिंट आता है चूज ऑप्शन वो यहाँ से आ सकता है। एलिवेशन ये दिखाता है कि ये कितना ऊपर है, इज एक्सपेंडेड ट्रू है तो वो एक्सपेंड रहेगा। इसका स्टाइल वगैरह इसमें दिया हुआ है, जैसे फॉन्ट का कलर क्या होगा, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, ये सब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और इसके नीचे एक ऑन चेंज का इवेंट है जो कि स्ट्रिंग का ऑप्शनल है, आई मीन स्ट्रिंग पास होगा या नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन का वैल्यू दिया हुआ। और ये स्टेट को सेट करता है, और ये वाला फंक्शन कॉल होता है, मतलब जब भी ये चेंज होगा तो इतना प्रोसेस होगा। और इसका वैल्यू जो चेंज होगा वो यहाँ पे सेट हो जाता है, आई मीन जो भी वैल्यू, जैसे ऐप डेवलपमेंट चेंज किया तो ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो गया। और ये आइटम का कोड नीचे दिया हुआ है, और इसी आइटम में हम लोग जो अपने ये मॉडल है उससे डेटा को यहाँ पास कर रहे हैं। जो सर्विस लिस्ट है ये इसका क्लास का नाम है, ये यहाँ सर्विस लिस्ट आया, उसके नीचे ऑप्शन सर्विस ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, और उसके नीचे ये डेटा पास हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।